क्या हुआ जब 12 साल कोमा में रहने के बाद इस लड़की ने बताई दूसरी दुनिया की सच्चाई, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, बात है हैदराबाद की। सन 2000 में एक आरोही नाम की 12 साल की लड़की सुबह 10 बजे स्कूल के लिए अपने पिता के साथ कार में रवाना हो रही थी। बीच हाईवे पर उनकी कार का बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसके पिता की मृत्यु हो गई और वो लड़की बुरी तरह से घायल हो गई। उसे तुरंत ही हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। परंतु ट्रीटमेंट का उस लड़की पर ज़्यादा असर नहीं हुआ और 12 साल की वो बच्ची कोमा में चली गई। डॉक्टरों ने उसके परिवार से कहा कि अगर आरोही अगले 4 दिन के अंदर कोमा से बाहर आ गई तो इसकी जान बच जाएगी। परंतु 4 दिनों के बाद भी ये कोमा से बाहर नहीं आ पाई तो इसके बचने के चांसेस केवल 10% तक रहेंगे। उसके परिवार में उसकी माँ और 2 और भाई बहन बचे थे, जो कि ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। वे तुरंत महादेव से प्रार्थना करने लगे कि आरोही को अगले 4 दिनों में होश आ जाए। परंतु उनकी दुआ बेअसर हो गई और अगले 4 दिन तक आरोही कोमा में ही रही। उसके बाद डॉक्टर ने आरोही की माँ से कहा कि जब दवाएं असर करना बंद कर देती है तो दुआएं असर करती है। अब हम इसे डिस्चार्ज कर रहे हैं, इसका सही होना केवल भगवान के हाथ में है, आप दुआएं करना शुरू कर दीजिए और इसे घर ले जाकर इसकी अच्छी तरह से देखभाल करिए। फिर आरोही के घर वाले उसे घर ले आए और बहुत अच्छी तरह से उसकी देखभाल करने लगे। परंतु वो 12 साल की प्यारी सी बच्ची कोमा में यूं ही बेड पर पड़ी रहती थी, उसके शरीर पर कोई मूवमेंट होता ही नहीं था और अब उसके बचने के चांसेस भी केवल 10% थे। परंतु उसके परिवार वालों ने महादेव के प्रति आस्था कभी नहीं छोड़ी। वे रोजाना यही प्रार्थना करते थे कि उनकी बेटी जल्द से जल्द सही सलामत हो जाए। और हम सभी जानते हैं कि माँ की प्रार्थना में बहुत दम होता है। देखते ही देखते 5 साल गुजर चुके थे, आरोही की उम्र अब 17 वर्ष हो चुकी थी, परंतु फिर भी वो कोमा में ही थी। अब तो उसके घर वाले ये सोचने लगे थे कि काश इसे मृत्यु ही आ जाए, इसी रूप में इसे इस कष्ट से तो छुटकारा मिलेगा। परंतु शायद भगवान को वो भी मंजूर नहीं था। निरंतर समय बीतता जा रहा था, उसका पूरा परिवार रोजाना महादेव से प्रार्थना किया करता था और मन में यही उम्मीद लगाए बैठा था कि उनकी बेटी एक दिन पुनः होश में जरूर आएगी। देखते ही देखते 12 साल बीत गए। आरोही की माँ भी अब बूढ़ी हो चुकी थी और उसके दोनों भाई बहन भी बहुत बड़े हो गए थे और साथ ही में सब ने यह भी उम्मीद छोड़ दी थी कि अब वो सही होगी। 12 साल की आरोही भी अब 24 साल की हो चुकी थी और उसी दिन एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ। यूं कहे कि महादेव ने उसकी माँ की प्रार्थना सुन ली थी। एक दिन अचानक से आरोही के लेफ्ट हैंड की तीसरी उंगली अचानक से हिल गई और धीरे धीरे उसका शरीर मूवमेंट करने लगा। तभी घर वालों को ऐसा लगा कि शायद अब इसमें जान वापस आ रही है। उन्होंने तुरंत आरोही को फिर से हॉस्पिटल में एडमिट कराया। डॉक्टरों ने उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया और 2 से 3 दिनों के अंदर उसे फिर से होश आ गया। हॉस्पिटल में सभी लोग हर हर महादेव के नारे लगाने लगे, परंतु कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। 12 साल बाद कोमा में से उठने के बाद आरोही ने जिस दुनिया में वो थी उसका जो सच बताया, उसे सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। आरोही ने कहा कि 12 साल पहले जब मैं कोमा में गई थी तब मानो मुझे लग रहा था मेरे अंदर कोई जान ही नहीं है, परंतु 2 साल के बाद तब मुझे मेरे आसपास सभी लोगों की आवाज़ें एकदम स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। मैं उन्हें सुन सकती थी, महसूस कर सकती थी, उनकी गंध भी मुझे बहुत अच्छी तरह से आ रही थी, परंतु ऐसा लगता था मेरी आंखें नहीं हैं और मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ। मेरे हाथ पाँव है पर मैं उन्हें हिला नहीं पा रही हूँ। ऐसा लगता था मानो मैं एक बहुत ही अलग दुनिया में हूँ। आरोही ने यह भी बताया कि एक बार तो कोमा अवस्था में ही मेरा दिल बहुत ज़्यादा टूट गया था, जब मेरी माँ ने कहा था कि इस कष्ट से तो अच्छा है इसकी मृत्यु आ जाए ताकि इसे ये सब सहना तो नहीं पड़ेगा। मैं उस समय उनकी आवाज़ बहुत अच्छी तरह से सुन पा रही थी, उनके इमोशंस को महसूस कर पा रही थी, परंतु चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रही थी। परंतु मुझे इतना पता था कि मुझे अपने दिमाग को एक्टिव रखना होगा, क्योंकि जिस दिन मेरा दिमाग अच्छे से काम करने लगेगा उस दिन मेरे सभी बॉडी पार्ट्स मूवमेंट करने लगेंगे।
ऐसे में आरोही ने बताया कि उन्होंने अपने दिमाग में कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया और इसी कैलकुलेशन की वजह से धीरे धीरे उनका माइंड स्ट्रोंग होता जा रहा था और कोमा में जाने के 12 साल बाद उनके माइंड ने लेफ्ट हैंड की तीसरी उंगली को संकेत दिया और वो हिल उठी। अब धीरे धीरे आरोही की सेहत में सुधार हो रहा था और वो अपने पैरों पर भी चलने लगी थी। दोस्तों कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और एक माँ की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। 12 साल बाद ही सही, परंतु एक माँ के मार्मिक हृदय से निकली वो प्रार्थना महादेव ने जरूर सुनी थी। इसी बात पर आप सभी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा और आपको इस घटना ने कितना प्रभावित किया है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हमारा विनम्र अनुरोध है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती रहें। अभी के लिए आप सभी प्रिय भक्तों को हर हर महादेव।